अच्छा अब मैं आप हो सकता है आपको मेरा जवाब जो है ना को बहुत ज़्यादा अपील ना करे। अब वो 17 साल का एक एडल्ट है, अब उसको उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। अब आप उसको नहीं चेंज कर सकते, आई एम रियली सॉरी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज कर सकता है अपने आप को अगर वो चाहे तो। कोई एडल्ट अपने आप को तब चेंज कर सकता है अगर वो चाहे तो। पहली बात यह है कि जो आपकी ये चाहत है ना कि मोबाइल छोड़ दे, हो सकता है यही जायज चाहत ना हो, हो सकता है उसमें वो कोई ऐसा फजूल काम ना कर रहा हो सकता है कौन। अब आप ना उसको छोड़ दें इसके हाल के ऊपर और बार बार उसको ताने ना दें। लेकिन अब आप देखिए 17, मैंने जैसे आपको अर्ज किया 17 साल का बच्चा एक टोटल इंडिपेंडेंट एडल्ट एंटिटी है। अगर आप ये चाहेंगी कि मैं नसीहत करके उसको चेंज करूं, उसका सिर्फ एक नतीजा निकलेगा, आपका और उसका डिफरेंस दूर ज़्यादा होना, वो आपसे लड़ने लग जाएगा। और हमें लगता है कि हमारे बच्चे, शायद हमारे बच्चे कभी नहीं छोड़ेंगे, बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई या अल्लाह मुझे हॉस्टल में कोई नौकरी मिले, और फिर उसकी आप शादी कर देंगी। आप कहेंगे ये जो बहू मैं बहा के लाई हूँ ना, मेरे चांद जैसे बेटे को पता नहीं क्यों कर ले गई। वो बेटी नहीं लेके गई बहू, वो जान छुड़ा रहा था कि या अल्लाह ये जब मैं कमरे में आता हूँ एकदम मम्मी ने आकर मोबाइल क्यों उठाया हुआ है। मेरा आपको बहन मशवरा होगा ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, आप उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए और उसको एहसास भी ना होने दीजिए कि आपको बुरा लग रहा है कि मोबाइल खेल रहा है। फिर कुछ अरसे के, और अगर आप मेरी बात मान लेंगी, मैं आपको ना 100% तो नहीं, बहुत यकीन से कहता हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर एक दिन वो आपको कहेगा मामा आप नाराज़ होती थी ना मेरे मोबाइल से, अब मैं नहीं इतना यूज़ करता। फ़र्ज़ करें आपका बेटा आज आपको रात को ये कहे मामा आप मेरे मोबाइल से नाराज़ होती थी ना, आइंदा मैं ना ध्यान करूँगा, वो रात आपकी कैसे गुजरेगी? और ये आपका बेटा कह देगा आपको सर एक 17 का और एक 7 का, और वो जो है ना वो दरमियान में एक बेटी है, तो वो जो बेटी है ना उसको तो दोनों ही एक्सेप्ट ही नहीं करते, और जो बेटा बड़ा वाला है उसको दोनों बहन भी अच्छे नहीं लगते छोटे। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बस उसका यही हाँ, लेकिन सब मैनेजेबल हैं, दे आर ऑल मैनेजेबल, दे आर, आप उनसे कम्युनिकेट करें। आपके घर के अंदर कभी होम मीटिंग होती है? हाँ, तो होम मीटिंग आज हम खाना सब लोग इकट्ठे खाएंगे, चाची भी, ताई भी, अम्मा भी, और मैंने 5 मिनट सबसे बात करनी है, 5 मिनट सिर्फ सबसे बात करनी है, दैट्स योर फैमिली मीटिंग, गुड इनफ, कोई बात नहीं। शुरू पहले ओवर में हो सकता है 2 विकेटें गिर जाएं आपकी, अगले ओवर में उसको रोक रोक के कॉम्पनसेट कर लीजिएगा। ओके, इसका बड़ा आसान जवाब है, ओके वेरी नाइस, सो वी विल हैव मीटिंग अगेन। अच्छा देखो बहन, बात यह है कि जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, वहां जब इस तरह के इशू होते हैं तो आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? तो इसी तरह कुछ अपने घर को भी इस तरह सॉर्ट आउट करें, क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं, द वे यू डील योर क्लाइंट्स। हाँ, आपके पास जब आती हैं पेरेंट्स, माँ आती हैं, माएँ आके लड़ती भी होंगी, देखिए हम इतने पैसे देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, आप उसे कैसे डील करती हैं? आपको चल निकल जाओ पैसे, ये लो तुम्हारे पैसे, जाओ निकलो, जाओ बच्चा लो, इधर कासम को बुलाओ, चल कासम, ऐसे तो नहीं करती आप, यू नेवर डू दैट। आप कहते हैं हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, हम आपको, तो बच्चे को भी कहें ओ आपको समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, फिक्र ना करें बच्चों। मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों को अपने बच्चे समझें, प्लीज़ अपने बच्चों को अपने बच्चे समझें जी बेटा।